कामरान किशोरी साहब की डेस्टिनेशन क्या है? हर बंदे की होती है, ये मैं बैठा हूँ, मेरी ये मेरी कोई डेस्टिनेशन होगी, मैं प्राइम टाइम एंकर हूँ जी, मैं 8 बजे का स्लॉट किया, 11 बजे का किया, मेरी डेस्टिनेशन होगी कहीं कि मैं चाहूँगा कि यार मेरा फ्लाम बैनर होगा, उस बैनर के ऊपर मैं ये वाला प्रोग्राम करूँगा, मुझसे अच्छा एंकर कोई नहीं होगा। इसलिए कामरान किशोरी बतौर बिजनेस मैन साइड पर रख दें, खुदा तरफ इंसान, चैरिटी करने वाला बंदा साइड पर रख दें, एज ए गवर्नर आप बैठे हैं, आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, बींग द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री या कुछ और? जी बिल्कुल भी नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आपको सिर्फ अपना काम करते रहना चाहिए, अपने आप को एक आम आदमी समझना चाहिए। बाकी जो मुकद्दर में मेरा मानना है कि आपके पैदा होने से पहले अल्लाह ने आपका मुकद्दर लिखा होता है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, और जिस तरह ज़िंदगी मौत का ईमान अल्लाह पर है, रिज़्क का ईमान अल्लाह पर है, बाकी आपके नसीब में क्या लिखा है वो सब अल्लाह की ज़ात देती है आपको। आप 100 प्लानिंग्स कर लें, वो कहते हैं ना सबसे बड़ा प्लानर मैं ही हूँ, तो कोई ख्वाहिश नहीं है सिवाय इसके कि जितने दिन भी इस मनसब पर हूँ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें, उनके काम कर सकें। ज़रा फिर MQM पे वापस आ जाते हैं, ये बहुत सारे लोग MQM के 2018 से पहले गिरफ़्तार हुए, बहुत सारे लोग मिस हुए, बहुत सारे लोग जेल चले गए, बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ काटना पड़ी, कुछ का तो अभी तक पता भी नहीं है। आप बतौर गवर्नर इस मैटर को देख रहे हैं जो कराची के अंदर हुआ, क्योंकि अब तो जाहिर है कि रीयूनियन हो गई ना, देखें उसके बाद भी वो वाले लोग याद हैं या नहीं? आया गया नहीं है, हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही मैं MQM में डिप्टी कन्वीनियर बहाल हुआ जी, तो 3 से 4 दिन के बाद राणा सनाउल्लाह और अयाज सादिक साहब हमारे जो MQM का मरकज़ भातराबाद है उस पर तशरीफ़ लाए थे, तो उस दिन उसके सामने जो एक मुसल्लिक पार्क है उसमें हमने मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़ को बुलाया था, कोई 250-300 फैमिलीज़ थी। राणा सनाउल्लाह साहब और अयाज सादिक साहब की आंखों में मैंने खुद आंसू देखे जब वो ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ अपने लोगों के लिए फरियाद कर रही थी और पूछ रही थी, किसी का हस्बैंड 8 साल से मिसिंग है, किसी का 4 साल से, किसी का 12 साल से। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने वहाँ एक वादा किया था, शायद आपके चैनल की तवज्जो से सुन रहे हों जी, उन्होंने कहा था मैं जाने के बाद बात करूँगा और उस पर फौरी कोई ना कोई एक्शन होगा, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा एक्शन नहीं नज़र आया कि जहाँ मिसिंग पर्सनस वापस आए हों। और यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि हमारा कई कतई तौर पर उन लोगों की लिए हम कभी नहीं खड़े होंगे जो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई गलत काम किया होगा। जब हम कहते हैं हमें बता तो दें कि किसका कसूर क्या है, वो कहाँ है, किसने गिरफ़्तार किया है, प्रोड्यूस देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इशू है, सीरियस इशू है, और इस पर अब जाहिर है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो हमारे पार्टी के कन्वीनियर हैं वो उस पर बातचीत ज़रूर कर रहे हैं, और जो एग्रीमेंट कोलिशन गवर्नमेंट का हुआ था उसमें जो पहला एजेंडा था उस पॉइंट का वो था ही मिसिंग पर्सन। तो उस वक्त जब तक मैं पार्टी में डिप्टी कन्वीनियर था तो मैं ख़ुद इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था, लेकिन जब से मैं गवर्नर बना हूँ तो आपको पता है मैं अब सिर्फ MQM का गवर्नर नहीं हूँ, हाँ हाँ, बल्कि पूरे सूबे की तमाम ही सियासी पार्टियों का गवर्नर हूँ। तो मेरा फिर अब एक किसी पार्टी के लिए एक तरफा बात करना मुनासिब नहीं है, सियासी पार्टियाँ अपने हिसाब से बात कर सकती हैं। MQM का एक प्लस पॉइंट, MQM हर गवर्नमेंट के साथ होती है विफाक, MQM का एक माइनस पॉइंट, MQM हर गवर्नमेंट के साथ होती है, प्लस पॉइंट भी वही है, माइनस पॉइंट भी वही है। कभी आपके वोटर ने आपसे ये पूछा? देखिए मैं आपसे ऐसे गवर्नर नहीं पूछ रहा, नहीं नहीं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि देखें आप लोग जब ये बात करते हैं तो हमारे वोटर्स भी ये, आज मैं उनको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, वाजे हैसियत रखिए कि देखें जब हम मैंडेट लेकर आते हैं या तो पूरे पाकिस्तान से हमें वोट मिले, 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाए, या इन 75 सालों में कभी हमें चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ़र कर दी जाए और हमें कहा जाए कि अब अगली बारी जो है आपकी होगी, 5 साल हमने CM बनाया, अगले 2 साल आप MQM को चीफ मिनिस्टरशिप दे दें। लेकिन तवासुल से और मुतवातिर आप देखें 75 सालों में हम शराकत दार बने हैं लेकिन हकदार कभी नहीं बने। अच्छा, अब हमारा शामिल होना और ना शामिल होना दोनों बेमानी हो जाता है, क्योंकि हमारी अक्सरियत तो पूरे पाकिस्तान से नहीं है,
और ना ही पूरे सूबे में हम मुकाबला कर सकते हैं एक बड़ी सियासी जमात का जो 100 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रही है। तो हमारा जो बनता है वो कोलेशन में ही बनता है, और हर बार क्योंकि जीत कर आते हैं तो यही कोशिश होती है कि जो पार्टी हुकूमत बना रही है उससे के पास ही जाके आवाम के मसाइल रखें, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है क्योंकि आपके पास कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं कि आप उसके साथ नहीं उसके साथ खड़े होंगे। तो हमेशा ये कोशिश की कि हम फिर बड़ी पार्टी क्यों नहीं बन पाई, नहीं बन पाई, हालांकि सबसे पढ़ा लिखा तबका आपके पास था, मिडिल क्लास तबका जो नीचे से आया, हाईली क्वालिफाइड तबका, मैं मतलब मैं कराची आइट मैंने देखा यहाँ पे, लेकिन बड़ी जमात क्यों नहीं बन पाई? देखिए बनने नहीं दिया, नहीं बनने दिया गया, नहीं बनने दिया, मैं तो साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, किसने नहीं बनने दिया? आप ये देखें यही इस मुल्क की जो वडेरा शाही रूलिंग एलीट ब्यूरोक्रेसी, ये कौन लोग हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि एक मिडिल क्लास का शख्स ऊपर आए और वो फिर इनसे वो बुनियादी हकूक और काम जो लोगों के हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि ये शहर कराची है, इसमें समंदर है लेकिन उसके करीब रहने वालों के पास पानी नहीं है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, यहाँ नहीं है, यहाँ है ना, आप टैंकर माफिया बैठा हुआ, समंदर है जी और पानी नहीं है, और टैंकर्स में है और आप खरीद लें, ये सिंपल सी बात है सर। बड़े बड़े हाउसेज में, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर वो जाता है। अच्छा अब आप बताएं कि इसी शहर में जो मईशत का हब है, जहाँ इंडस्ट्री परवान चढ़ती है और एक्सपोर्ट बढ़ती है, उसमें घरों के अंदर लाइट नहीं है, एक इंडस्ट्री लगाने वाला अरबपति बन जाता है, मुल्क उसके रेवेन्यू पे चल रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आईएमएफ की किस्तें इस शहर से, इस इंडस्ट्री से, इस एक्सपोर्ट से दी जा रही है, मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस शहर में रहने वाले लोगों के पास लाइट नहीं है। और ये रोशनी का शहर कहलाता था, मैं यही तो कह रहा हूँ जी, कि जिस शहर से आप कमा रहे हैं खा रहे हैं उस शहर पे आप लाइट नहीं दे रहे, तो आप क्या बात करते हैं कि आपको जिस शहर को लाइट और पानी और गैस ना दे रहे हों उसको पूरे मुल्क की हुकूमत कैसे देंगे? अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है वक्त गुजर जाएगा, अब जिंदगी फैसले की घड़ी सारी मईशत के धर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले तुझ पे ये कैसी आन पड़ी, देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान, देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान, देखना अपनी पहचान के लिए बोल पाकिस्तान के लिए बोल हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत, देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।